अगर आप IPL क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें, जिसमें हम आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बताएंगे आपको कैसे और क्या क्या चीज़ें करनी होगी और अपने पेरेंट्स को क्रिकेट करियर चुनने के लिए कैसे मनाएं। क्योंकि कभी कभी हमें हुनर तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने पर हमें मजबूरन रुकना पड़ता है। इसलिए हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने पेरेंट्स को आप कैसे समझाना चाहिए क्रिकेटर कैसे बने। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो तो आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि आपको मैदान से बाहर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो बॉडी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है, स्टेमिना काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप क्रिकेटर बनने की इच्छा रखते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आपको रनिंग करनी चाहिए, जिससे आपका स्टेमिना काफ़ी बढ़ेगा। और क्रिकेट में रनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैटिंग कर रहे हो या फिर बॉलिंग या फिर फील्डिंग, आपको क्रिकेट खेलते समय हर बार भागना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको अपनी हाइट बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आपकी हाइट अच्छी होगी तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से बैटिंग या बॉलिंग कर पाएंगे। अच्छी बॉडी के साथ आपको डाइट पर भी फोकस करना चाहिए। आपको बाहर का अनहेल्दी फूड खाना नहीं चाहिए, खास करके टूर्नामेंट के समय, और ज़्यादातर हेल्दी फूड खाएं। जैसे आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी, क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस पर काफ़ी सारा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी क्रिकेट में दिलचस्पी बचपन से है तो आपको बचपन से ही कोई ना कोई एक बड़ी एकेडमी ज्वाइन कर देनी चाहिए जो कि भरोसे के लायक हो, वरना आजकल काफ़ी सारी फ्रॉड एकेडमी मौजूद है। अगर आप में क्रिकेट का इंटरेस्ट 15 या 16 साल में आया है तो फिर भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। उसके बाद जो कोई भी टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो, अंडर 14 से लेकर अंडर 19 के लिए वहां आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। एक बार आप अंडर 19 टूर्नामेंट में सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपके लिए रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद आप बड़े चैंपियनशिप खेलने जा सकते हो, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलेगी। अगर किसी फ्रेंचाइजीज को आपका खेल पसंद आता है तो वह फ्रेंचाइजीज अपने IPL टीम के लिए आपको सिलेक्ट कर सकती है, और आपकी परफॉर्मेंस IPL में काफ़ी अच्छी रहती है तो BCCI की नज़र आप पर ज़रूर बनी रहेगी। वह आपको इंडियन टीम में भी शामिल करेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस IPL की कुछ सीजन्स रहती है तो इसलिए आप जितना अच्छा खेलोगे आप उतना ऊपर जाओगे। BCCI के 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार Grade A+ प्लेयर्स को सालाना 7 करोड़ की सैलरी मिलेगी। किसी भी करियर में जाने से पहले पेरेंट्स की इजाज़त होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उनकी इजाज़त होगी तो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ही सोचते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, बाकी किसी करियर को पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते और उन्हें अहमियत भी नहीं देते। क्रिकेट से करियर पर पेरेंट्स सीधा मना कर देते हैं। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स को ध्यान से समझाना चाहिए कि क्रिकेटर एज अ करियर चुनने पर सैलरी तो अच्छी मिलेगी, उसके साथ साथ पॉपुलरिटी भी काफ़ी मिलती है। इंडिया में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ज़रूर से देखिए और अपने पेरेंट्स को दिखाए ताकि वह भी समझ पाए कि बच्चे को उनकी इच्छा का करियर क्यों चुनना चाहिए। पेरेंट्स उनकी इच्छा से बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ भी बना देंगे लेकिन वह बच्चा ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रहने वाला, क्योंकि उससे अपनी इच्छा का काम करने को नहीं मिला। भले ही वह कितना भी कमा ले लेकिन खुशी उसे अपने काम में ही मिलने वाली है। यह था पूरा वीडियो कि IPL में क्रिकेटर कैसे बने। अगर आपका कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपको उसका जवाब कमेंट में ही मिलेगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट हो गए कि होंगे कि आईपीएल क्रिकेट कैसे बने। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर हाँ तो आप इसको शेयर और कमेंट करें, जिससे हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।